तो दोस्तों विशाल ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप राशन कार्ड 2017-18 की लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक का देखते रहिएगा। यहाँ पर मैं आपको उत्तराखंड राशन कार्ड की लिस्ट दिखाने वाला हूँ और आप कैसे चेक कर सकते हैं इसकी पूरी जानकारी मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना होगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश भी करना चाहूँगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसके बराबर में एक घंटे का निशान होता है उस पर भी क्लिक कर देना। इसके बाद दोस्तों हमारी सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेंगी। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पर जो है मैंने अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को ऑलरेडी ओपन कर रखा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपको एक वेबसाइट को सर्च करना होगा। दोस्तों वेबसाइट का नाम है fcs.uk.gov.in। तो दोस्तों आपको इस वेबसाइट को जो है अपने क्रोम ब्राउजर पर सर्च कर देना है। तो मैंने इसको यहाँ पर सर्च कर दिया है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप इस वेबसाइट को सर्च करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड राशन विभाग की वेबसाइट जो है ओपन हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर एक ऐड आता है, इस लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में नीचे चले जाना होगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में नीचे चले जाना है और यहाँ ऑप्शन को ढूंढना है। ऑप्शन यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन को ढूंढना होगा। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा राशन कार्ड डिटेल्स। तो आपको इस वाले ऑप्शन पर ही क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद जो है न्यू पेज एक फिर से ओपन होगा और उसमें हमें थोड़ी सी डिटेल्स को फिल करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक फिर से न्यू पेज ओपन होकर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा रिपोर्ट ऑफ कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ राशन कार्ड इन डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो भी जिला है आपको उसको चुन लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे आपको जिले दिखाई दे रहे होंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं पहले वाले अल्मोड़ा पर क्लिक कर देता हूँ। आपका जो भी जिला हो आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैंने पहले वाले अल्मोड़ा पर क्लिक कर दिया है। जैसे ही आप यहाँ पर जिले पर क्लिक करेंगे यहाँ पर फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाता है और इसके बाद जो है आपको यहाँ पर अपने तहसील को चुनना है। तो एग्जांपल के तौर पर मैं पहले अल्मोड़ा पर क्लिक कर देता हूँ। आपका जो भी आपकी जो भी तहसील हो आपको उस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है आपका विलेज, तो आपका जो भी विलेज है आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो एग्जाम्पल मैं पहले वाले पर ही क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने विलेज पर क्लिक किया यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो राशन कार्ड की लिस्ट है वो यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। इन लोगों के यहाँ पर राशन कार्ड बन चुके हैं और यहाँ पर इनका नाम, यहाँ पर राशन कार्ड का जो यूनिक नंबर आईडी होती है वो यहाँ पर, और यहाँ पर आपको राशन कार्ड की यूनिक आईडी, यहाँ पर नाम, यहाँ पर फादर नेम और यहाँ पर मदर नेम आपको दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों अगर आप अपने राशन कार्ड को पूरा देखना चाहते हैं यानी कि जैसे जूम करके पूरा देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यूनिक आरसी आईडी लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका पूरा राशन कार्ड आपको ओपन होकर दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप उत्तराखंड राशन कार्ड लिस्ट 2017-18 में अपना नाम देख सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ की जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसको बराबर में घंटे के निशान पर भी क्लिक कर देना, जिससे हमारी फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो में तो फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।